हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी पांच बाइक्स हो जो आप ले सकते हैं अगर आपका बजट 1.5 लाख तक है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट बाइक्स अंडर 1.5 लाख के बारे में। और दोस्तों ये जो वीडियो है यहाँ पर मैंने आपके लिए हर सेगमेंट की बाइक्स रखी है। इस लिस्ट में आपको नेकेड सेगमेंट की भी बाइक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको क्रूजर सेगमेंट की बाइक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ऑफ रोडिंग सेगमेंट की भी मिल जाएगी, और यहाँ तक कि फेयरिंग सेगमेंट की भी बाइक्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सभी बाइक्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और अगर आपको ऐसी और बाइक से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो 5th नंबर पे बाइक है ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक है। उस बाइक का नाम है बजाज एवेंजर 220। अगर आपका बजट 1.5 लाख से नीचे है और अगर आप एक क्रूजर सेगमेंट की बाइक ढूंढ रहे हैं तो एवेंजर 220 आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइक रहेगी। ऑन रोड न्यू दिल्ली में ये बाइक मिलती है 1,24,000 रुपीज़ में। और जैसा कि दोस्तों अभी आप लोग जान ही रहे होंगे कि एवेंजर 220 में फिलहाल दो वेरियंट्स आते हैं सेल में, एक आती है बजाज एवेंजर 220 क्रूज और दूसरी आती है एवेंजर 220 स्ट्रीट। ज़्यादा डिफ्रेंसेस है नहीं इन दोनों वेरियंट्स में, आपको ज़्यादा बॉडी ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहां एवेंजर 220 स्ट्रीट में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं आपको एवेंजर 220 क्रूज में स्पोक व्हील्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस आपको मिलते हैं एवेंजर 220 में। और दोस्तों अगर आप हम लोग इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो ये बाइक में आपको वही सेम इंजन मिलता है जो पल्सर 220F में मिलता है, लेकिन इस बाइक में हल्की सी डिट्यूनिंग कर दी गई है और फिर इसमें एवेंजर 220 में यूज़ कर दिया गया है। इस बाइक में आपको 19 BHP का पावर मिलता है 8,400 RPM पे और 17.5 Nm का टॉर्क मिल जाता है 7,000 RPM पे। एवेंजर 220 में आपको कार्बोरेटर सिस्टम मिल जाता है फ्यूल डिलीवरी के लिए और ऑयल कूल सिस्टम मिल जाता है इंजन कूलिंग के लिए। 5-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और अगर माइलेज की बात करें तो ये बाइक में आपको 34 से 37 KMPL का माइलेज मिल जाएगा। इस बाइक की कर्वेट है 150 kg। और दोस्तों इस बाइक में आपको LED हेडलैम्प मिल जाएगा, सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। और अगर इसके ब्रेक्स और टायर्स की ओर देखें तो फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। फ्रंट में आपको 260 mm की डिस्क मिलती है और रियर में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। फ्रंट में आपको जो टायर मिलता है उसकी साइज़ है 90x90, 17 inches के आपको टायर मिल जाते हैं। और रियर में आपको 130x90 सेक्शन के 15 inches के टायर मिलते हैं। ये दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलेगा और इस बाइक में आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाएगा। अगर एवेंजर 220 की अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखें, इसमें आपको सिंगल ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है और स्पीडोमीटर मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं बजाज एवेंजर 220 में। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि इस बाइक में अभी दो वेरियंट्स आते हैं सेल में, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको इस बाइक की कौन सी वेरियंट्स अच्छी लगती है। तो ये बाइक थी हमारी 5th नंबर पर। और अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो 4th नंबर पर बाइक है उसके बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे बाइक है ये बाइक बिलोंग करती है ऑफ रोडिंग सेगमेंट से और इस बाइक का नाम है हीरो एक्सपल्स 200। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हीरो एक्सपल्स 200 ऐसी इकलौती बाइक है जो आपको ऑफ रोडिंग सेगमेंट में मिलती है 1.5 लाख से नीचे। 1.5 लाख तो छोड़ दीजिए, यही एक इकलौती बाइक है जो आपको 2 लाख से नीचे मिलती है ऑफ रोडिंग सेगमेंट में। और दोस्तों ये बाइक में आपको कार्बोरेटर वेरियंट और फ्यूल इंजेक्टेड वेरियंट दोनों ही मिल जाता है और ये काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग बाइक है जो आपको बजट में मिल जाती है। कार्बोरेटर वेरियंट के साथ अगर आप जाएंगे तो ऑन रोड न्यू दिल्ली में आपको ये बाइक मिलेगी 1,14,000 रुपीज में। और वहीं अगर आप इसके फ्यूल इंजेक्शन वेरिएंट के साथ जाएंगे तो आपको ये बाइक मिलेगी 1,23,000 रुपीज में। ये बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है इन दोनों ही वेरिएंट्स में। और अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो ये बाइक में आपको वैसे ही इंजन मिलता है जो आपको हीरो एक्सट्रीम 200 में मिलता है। 199 cc का ये इंजन है जो 18.3 BHP का पावर जनरेट करता है 8,000 RPM पे। और इस बाइक में आपको 17.1 Nm का टॉर्क मिल जाता है 6,500 RPM पे। इस बाइक में आपको कार्बोरेटर सिस्टम मिल जाता है फ्यूल डिलीवरी के लिए और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी मिल जाता है जैसा मैंने आपको बताया। और इस बाइक में एयर कूल सिस्टम दिया हुआ है इंजन कूलिंग के लिए। एक्सपल्स 200 आती है 5-speed गियरबॉक्स के साथ और इस बाइक में आपको 38 से 41 KMPL का माइलेज मिल जाएगा। इस बाइक की कर्वेट है 154 kg। और इसके कुछ फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, फ्रंट में आपको लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन मिल जाता है और वो तो आपको मिलेगा ही क्योंकि ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है। ब्रेक्स और टायर्स की ओर देखेंगे तो फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, रियर में डिस्क मिलता है। फ्रंट डिस्क की साइज़ है 276 mm और रियर में जो डिस्क मिलता है उसकी साइज़ है 220 mm। टायर कॉन्फ़िगरेशन की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको फ्रंट में 90x90 सेक्शन के 21 inches के व्हील मिल जाते हैं और रियर में आपको 120x80 सेक्शन के 18 inches के व्हील मिलते हैं। ये दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिले और दोस्तों ये जो दोनों ही टायर ये आपको स्पोक व्हील्स के साथ मिलेंगे। सस्पेंशन सेटअप की ओर देखेंगे तो आपको इस बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है जिसकी ट्रैवल है 190 mm
और रियर में आपको 10 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जिसकी ट्रैवल है 170 mm। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इस बाइक के ब्रेक्स, टायर्स और सस्पेंशन सेटअप के बारे में बता दिया। और इस बाइक के अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो हीरो का अभी तक से सबसे बेस्ट डेवलप किया हुआ इंस्ट्रूमेंट कंसोल इस बाइक में आपको मिल रहा है। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ब्लूटूथ मिलेगा जिसकी मदद से आपको 10x10 नेविगेशन मिल जाएगा और आप इसके अपने कॉल को भी असिस्ट कर सकते हैं। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है, ट्विन ट्रिप मीटर मिल जाता है, ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है। और इसका जो डिज़ाइन है ये फुल डिजिटल डिस्प्ले के साथ ये इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। तो दोस्तों ये बाइक थी हमारी 4th नंबर पे, जो कि काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग बाइक है, बजट में आपको मिल जाती है। और इस बाइक का नाम था हीरो एक्सपल्स 200। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे बाइक है उसके बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में जो 3rd नंबर पे बाइक है ये एक और बाइक है हीरो की तरफ से, और ये एक लौती बाइक है जो आपको फेयरिंग डिज़ाइन के साथ आती है। और ये बाइक आपको मिल जाती है 1.5 लाख से नीचे, और ये बाइक आती है 200cc इंजन के साथ। और इस बाइक का नाम है हीरो एक्सट्रीम 200S। हीरो एक्सट्रीम 200S अभी 3-4 महीने पहले ही लॉन्च हुई है, और ये बाइक आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 1,18,160 रुपीज़ में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया दिया कि ये इकलौती फेयरिंग सेगमेंट की बाइक है जो आपको 200cc इंजन के साथ आती है और जो 1.5 लाख से नीचे मिलती है। और दोस्तों ये बाइक में आपको वही सेम इंजन मिलता है जो आपको हीरो एक्सट्रीम 200R में मिलता है। 199cc का ये इंजन है जो 18.3 bhp का पावर जनरेट करता है 8000 rpm पे, और 17.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 6500 rpm पे। इस बाइक में आपको कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है फ्यूल डिलीवरी के लिए, और इसमें एयर कूल सिस्टम मिल जाता है इंजन कूलिंग के लिए। हीरो एक्सट्रीम 200S आती है 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ, और इसमें आपको 38 से 42 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। इस बाइक की कर्वेट है 149 kg, और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा, LED हेडलैम्प मिल जाएगा, और इस बाइक में भी आपको हीरो एक्सट्रीम 200 जो ऑफ रोडिंग बाइक थी उसके जैसा ब्लूटूथ फंक्शन मिल जाएगा इसके भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। और दोस्तों इसके ब्रेक्स और टायर्स की ओर देखेंगे तो हीरो एक्सट्रीम 200S में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में डिस्क मिलता है। फ्रंट डिस्क की साइज़ है 276 mm, रियर में जो डिस्क मिलता है उसकी साइज़ है 220 mm। टायर कॉन्फ़िगरेशन की ओर देखेंगे तो फ्रंट में जो आपको टायर मिलता है उसकी साइज़ है 100x80 सेक्शन के 17 inches के आपको टायर मिलते हैं, और रियर में आपको 130x70 सेक्शन के 17 inches के टायर मिलते हैं। ये दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे, आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे, और इस बाइक में आपको रेडियल टायर्स भी मिल जाएंगे। और दोस्तों इस बाइक के अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखें तो इसमें आपको सेम वैसा इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जैसा हीरो एक्सपल्स 200 में मिलता है। हीरो एक्सपल्स 200 की ही तरह इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जो फुल डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ की फंक्शन आपको इसमें मिल जाती है, ट्विन ट्रिप मीटर्स मिल जाती है, क्लॉक मिलता है, ओडोमीटर मिल जाता है। तो ये सब कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं हीरो एक्सट्रीम 200S के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो दोस्तों ये हमारी 3rd नंबर पे बाइक थी, और ये बाइक थी हीरो एक्सट्रीम 200S। जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप वैसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको 200cc का इंजन भी मिले, फेयरिंग डिज़ाइन भी मिले, तब आप हीरो एक्सट्रीम 200S के साथ जा सकते हैं। तो ये बाइक थी हमारी 3rd नंबर पे। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे बाइक है उसके बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में जो 2nd नंबर पे बाइक है ये बाइक 1.5 लाख से नीचे आने वाली बाइक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल 200cc इंजन के साथ आती है, और ये बाइक है नेकेड सेगमेंट की, और इस बाइक का नाम है पल्सर NS200। पल्सर NS200 आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलेगी 1,34,600 रुपीज़ में। और जैसा मैंने आपको बताया दिया कि इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा पावरफुल इंजन मिल जाता है। इस बाइक में आपको 199cc इंजन मिलता है जो कि 23.5 bhp का पावर जनरेट करता है 9,750 rpm पे, और इस बाइक में आपको 18.3 Nm का टॉर्क मिलता है 8000 rpm पे। इस बाइक में आपको कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है फ्यूल डिलीवरी के लिए, और जल्दी इसका फ्यूल इंजेक्शन वेरिएंट भी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये बाइक आती है 6-स्पीड गेयरबॉक्स के साथ, इसमें आपको लिक्विड कोल्ड इंजन मिलता है, और इस बाइक का हाईवे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। NS200 में आपको 34 से 36 kmpl का माइलेज मिल जाएगा, और इस बाइक की कर्वेट है 154 kg। दोस्तों अगर हम लोग इसके टायर्स और ब्रेक्स की ओर देखेंगे तो पल्सर NS200 में फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है उसकी साइज़ है 300 mm, और रियर में जो आपको डिस्क मिलता है उसकी साइज़ है 230 mm। NS200 आती है सिंगल चैनल ABS के साथ, और टायर कॉन्फ़िगरेशन की ओर अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में आपको 100x80 सेक्शन के 17 inches के टायर मिल जाते हैं, और रियर में आपको 130x70 सेक्शन के 17 inches के टायर मिलते हैं। ये दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे। इस बाइक में आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो पल्सर NS200 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इसमें आपको ब्लू बैकलाइट मिलता है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है सेमी डिजिटल डिज़ाइन के साथ आता है जिसमें कि आपको
ट्विन डिजिटल ट्रिप मीटर मिल जाएगा, एनालॉग टैकोमीटर मिल जाएगा, क्लॉक मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, ओडोमीटर मिल जाएगा। दोस्तों ये बाइक थी हमारी सेकंड नंबर पे जिसका नाम था बजाज पल्सर NH200। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आप वैसी बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा इंजन परफॉर्मेंस मिले तब आप पल्सर NH200 के साथ जा सकते हैं। और इस बाइक का जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैंने जैसा आपको बताया कि इस बाइक की जो हाईवे राइडिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए 1.5 लाख से नीचे और नेकेड सेगमेंट में आपको चाहिए तो आप पल्सर NH200 के साथ जा सकते हैं। तो ये बाइक थी हमारी सेकंड नंबर पे। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है उसके बारे में। दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है ये बाइक आती है TVS की तरफ से और ये भी बाइक है नेकेड सेगमेंट की और इस बाइक का नाम है Apache 204V। Apache 204V को मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है, स्लीपर क्लच मिल जाता है, पिरेली के टायर्स मिल जाते हैं और इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो उसमें आपको प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं। तो इस बाइक के अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो आपको इस बाइक में 197cc का इंजन मिलता है जो कि 20.8 BHP का पावर जनरेट करता है 9000 RPM पे और 18.1 Nm का टॉर्क आपको मिल जाता है इस बाइक में 7000 RPM पे। अपाची 204V आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में मिलती है 1,31,700 रुपीज़ में। और दोस्तों इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको इस बाइक की कौन सी वेरिएंट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इस बाइक में आपको ऑयल कूल सिस्टम मिल जाता है इंजन कूलिंग के लिए और ये बाइक आती है 5-speed गियरबॉक्स के साथ। इस बाइक में आपको 36 से 39 KMPL का माइलेज मिल जाएगा और इसकी जो कर्वेट है ये है 48 kg। अपाची 204V के अगर ब्रेक्स और टायर्स की ओर देखें तो इस बाइक में आपको फ्रंट में मिल जाता है 90x90 सेक्शन के टायर 17 इंचेस के और रियर में आपको 130x70 सेक्शन के 17 इंचेस के टायर मिल जाते हैं। डिस्क आपको फ्रंट में मिलता है 270mm का और रियर में आपको 240mm की डिस्क मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ जो कि सेफ्टी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप अपाची 204V के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसमें आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा, लैप टाइमर मिल जाएगा, 0-60 टाइमर मिल जाएगा, टॉप स्पीड रिकॉर्डर मिलेगा, ट्विन ट्रिप मीटर मिलेगा, ओडोमीटर मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा। तो इतने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं अपाची 204V के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और दोस्तों इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जा रहा है कि जो सेफ्टी के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए इस बाइक को मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है। ये बाइक 200cc की बाइक है जो कि आपको काफ़ी फीचर्स दे देती है जैसा मैंने आपको बोला। तो दोस्तों ये बाइक थी हमारी फर्स्ट नंबर पे जिसका नाम था अपाची 204V। तो दोस्तों यही सब 5 bikes थे मेरे इस लिस्ट में जो कि एक बार आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप कोई भी बाइक लेने जा रहे हैं 1.5 lakh से नीचे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।